अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि लहंगे में या गाउन में आप नीचे जो फ्रिल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर फैब्रिक की जरूरत होगी। आप चाहे नेट और ऑर्गेंजा दोनों फैब्रिक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 मीटर नेट फैब्रिक ले लिया है और उसको कुछ इस तरह से बिछा लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से एक के ऊपर एक आपका जितना भी फैब्रिक है सारा का सारा आप बिछा लीजिए लंबाई में। हमें यहाँ पर लंबाई में पट्टियां कट करनी है, तो हर एक पट्टी की चौड़ाई आपको 2.5 इंच रखनी है। 2.5 इंच से कम नहीं रखिएगा और 3 इंच से ज्यादा यहाँ आपको चौड़ाई नहीं रखनी है। तो 2.5 से 3 इंच आप अपने अकॉर्डिंग पट्टियों की चौड़ाई रख सकती हैं और सारी लेंथ वाइज यहाँ पर पट्टियां कट कर लीजिए। तो मेरा यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक है और मैंने सारे 3 मीटर फैब्रिक को कुछ इस तरह से कट कर लिया है। ये देखिए कितनी सारी यहाँ पर मेरी पट्टियां तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें चुन भरेंगे। तो देखिए हम किस तरह से चुन भरते हैं। चुन भरना बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको एक पट्टी लेनी है और दोनों उंगलियों की मदद से इस तरह से, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इसी तरह से आप चुन भरते जाइए बीचों बीच में सिलाई लगाकर। तो ये हमारी पूरी पट्टियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। मेरा यहाँ पर कम से कम 30 से 40 मीटर ये पट्टियां कटी हैं, तो काफी टाइम लगेगा अच्छा खासा आपको 30 से 40 मीटर पट्टियों में चुन भरने का। तो ये देखिए मैंने पूरी पट्टियों में यहाँ पर चुन भर लिया है। ये देखिए इतनी सारी हो गई हैं ये। तो ये आपके ऊपर है, आप कितनी ज्यादा फैब्रिक यूज करके कितना ज्यादा चुन भर सकते हैं। तो ये हमारा लहंगा है, हम लहंगे में नीचे लगाएंगे। ये देखिए मेरा 4 लेयर का लहंगा है यहाँ पर। ये सबसे ऊपर वाली आपको जहाँ पर जिस कपड़े पर आपको चुन भरनी है यानी जिस पर आपको फ्रिल बनानी है ये इस तरह से लेंगे, और जो ये हमारा डोरा आ रहा है जहाँ हमने पहले सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर आपको सिलाई लगानी है जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और अपने हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से इसको, जो हमारी ये फ्रिल, ये जो चुन ऊपर आ रही है इसको सेट करके इस तरह से बीचों बीच में एक सिलाई लगाते जाइए जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। जब आपकी पूरे पर सिलाई लग जाएगी इस तरह, और नीचे से आपको ज्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना है, जितनी आपकी बीच की सिलाई के उधर कपड़ा आ रहा है ये देखिए नीचे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको नहीं छोड़ना है। जैसे मैंने वीडियो में छोड़ा है बिल्कुल आप इसी तरह से बस इतना ही आपको फैब्रिक छोड़ना है। तो ये पूरा एक सर्कल में जो हमारे लहंगे की गोलाई होती है, जो इसका घेर होता है, पूरे हमने घेर में लगाया है। पहले हम पूरा एक राउंड लगा लेंगे, फिर हम दूसरा राउंड लगाएंगे इसमें, दूसरी उसके ऊपर भरेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए दोनों चुनों को आपस में मिलाते हुए इस तरह आपको एक और सिलाई लगानी है। बस आपको ये ध्यान रखना है ये बीच का जो गैप है उस वाली सिलाई का और इस वाली सिलाई का वो बराबर नहीं हो, एक के ऊपर एक चढ़ा कर लेनी है आपको जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। चढ़ा के लेने से क्या फायदा होता है, जब ये हमारी 5 से 6 पूरी चुने लग जाएंगी ऊपर तक लेयर्स, तो ये बहुत एकदम खड़ी खड़ी चुने आएंगी जिससे ये बहुत अच्छा लुक आएगा इसका। तो ये देखिए मैंने बहुत सफाई से पूरे पर, पूरे लहंगे की घेर पर 4 से 5 लगी थी मेरी, ये पूरे पर मैंने सिलाई लगा ली है और पूरा तैयार कर लिया है इसको। अभी मैं आपको इसको पूरा लुक दिखाती हूँ। बहुत ही आसान है इसे बनाना, कोई भी बना सकता है, बस आपको फ्रिल सफाई से बनानी है। ये देखिए हमारा पूरे में लग चुका है और ये हमारा पूरे लहंगे का लुक आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये बनकर। आप भी इसी तरह से तैयार करिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप गाउन वगैरह में भी इसे बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाय बाय, खुदा हाफिज़।